Hello friends, welcome to my channel Civil Engineering Forum. We are in the 14th part of the topic Structural Analysis and Design of a Duplex House in StradPro VATI Software. तो पिछले लेक्चर में हमने प्लिंथ बीम के ऊपर का ये जो पूरा फ्लोर है उसकी ज्योमेट्री खड़ी की थी. But we know that the beams on the plinth level are not same as on the first floor level. मतलब हम ये AutoCAD plan में देख सकते हैं. यहाँ पे मैंने दिखाया है फ्रेमिंग लेआउट एट प्लिंथ लेवल, यानी कि प्लिंथ लेवल पे जहाँ जहाँ पे बीम्स है उसका लेआउट यहाँ पे दिखाया है और फर्स्ट फ्लोर लेवल पे जहाँ पे बीम है उसका लेआउट यहाँ पे दिखाया है. एंड वी कैन नोटिस दैट बोथ ऑफ दिस आर नॉट सिमिलर, यानी कि ये दोनों सिमिलर नहीं है. बहुत से बीम अलग है यहाँ पे, जैसे कि ये वाला गैलरी का बीम, फिर ये पूरी गैलरी का बीम यहाँ पे एक्स्ट्रा है. फिर हम बात करते हैं तो ये बीम फर्स्ट फ्लोर लेवल पे नहीं प्रोवाइड किए गए, पर यहाँ पे जो हमने ज्योमेट्री खड़ी की है वो प्लिंथ बीम से सिमिलर है. यानी कि प्लिंथ बीम में जहाँ जहाँ पे बीम है वहीं जगह पे फर्स्ट फ्लोर लेवल पे, यानी कि 3.05 मीटर अबव द प्लिंथ लेवल पे भी सेम ही बीम प्रोवाइड किए गए हैं. तो हमें इस लेक्चर में वो एडिटिंग करना पड़ेगा एंड वी विल कंपेयर इट विथ AutoCAD प्लान. तो सबसे पहले तो हमें हमारे स्ट्रक्चर के साइड व्यू में चले जाना है. तो उसके बाद सबसे पहले तो हम कंट्रोल दबा के ये सभी फर्स्ट फ्लोर लेवल पे जितने भी बीम है उसको सिलेक्ट कर लेंगे. फिर हम जाएंगे ये ज्योमेट्री कर्सर में. तो ज्योमेट्री कर्सर की मदद से हम जो कुछ भी है नोड बीम प्लेट सरफेस व्हाटएवर वी कैन सिलेक्ट इट. तो हम ये सभी फुटिंग्स को ये सपोर्ट्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल दबा के. तो उसके बाद हम दबाएंगे अल्टर वी वी. तो अल्टर वीवी करने से हमने जितनी भी चीज सिलेक्ट की है सिर्फ उतनी ही चीजें नजर आएंगी. तो अब हम टॉप व्यू में चले जाएंगे. अब आप लोग समझ चुके होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया अल्टर वीवी करके सिर्फ फर्स्ट फ्लोर लेवल पे जितने बीम और सपोर्ट्स है वो विजिबल किए, ताकि प्लिंथ लेवल के बीम्स हमें टॉप व्यू में से नजर नहीं आए एंड इट विल नॉट क्रिएट अ हर्डल फॉर अस. तो अब हम फर्स्ट फ्लोर लेवल को इसके साथ कंपेयर करेंगे फ्रेमिंग लेआउट एट फर्स्ट फ्लोर प्लान. तो यहाँ पे ये बॉक्स के बाजू में हमने गैलरी दिखाई है, इसके डायमेंशन हम देख सकते हैं 230x230. तो ये हम सबसे पहले यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ से हमारी गैलरी बनेगी. तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसके डायमेंशन चेक करने पड़ेंगे. तो इस गैलरी के डायमेंशन नापने के लिए DI Enter, यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं 1334.2 mm, यानी कि 1.334 मीटर. तो 1.334 मीटर हमें यहाँ से गैलरी ड्रॉ करनी है 1.334. इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये बीम सिलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल सी, फिर कंट्रोल वी. तो कुछ इस तरह की स्क्रीन नजर आएंगी जहाँ पे हमें ये एक्सिस के मुताबिक बीम क्रिएट करना है. पर इससे पहले मैं हमारे प्लान का आइसोमेट्रिक व्यू ऑन कर दूंगा ताकि बीम पेस्ट करते वक्त ये फुटिंग यानी कि सपोर्ट्स पे ना चला जाए. तो आइसोमेट्रिक व्यू ऑन करने के बाद हम सिलेक्ट करेंगे इस बीम को, फिर करेंगे कंट्रोल सी कंट्रोल वी. तो अब हमें पेस्ट करना है ये बीम, एक्स डिरेक्शन में जाना है हमें, यहाँ से नेगेटिव जाना है एक्स डिरेक्शन में. ये वाला पूरा बीम यहाँ पर कॉपी हो जाएगा पैरेलली. तो हम जाएंगे नेगेटिव साइड, एक्स में नेगेटिव साइड. तो माइनस 1.334 मीटर. ओके, तो ये पूरा बीम यहाँ पे क्रिएट हो गया है जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला बीम क्रिएट हो गया है. फिर यहाँ पे बीम ड्रॉ करने के लिए हम सिलेक्ट करेंगे ये बीम, कंट्रोल सी कंट्रोल वी. फिर हम जाएंगे रेफरेंस पॉइंट, ये वाला रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट करके ओके करेंगे. फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे ओके. तो ये बीम यहाँ पे कॉपी हो गया है, पर हमें बीम सिर्फ यहाँ तक चाहिए. तो इसके लिए हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा यहाँ पे नोड क्रिएट करके. पर इससे पहले हम ये बीम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं. तो ये सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी, रेफरेंस पॉइंट, ये वाला रेफरेंस पॉइंट ओके. फिर हम ये पॉइंट सिलेक्ट करेंगे ओके. तो
ये बीम क्रिएट हो गया है, अब इसे यहाँ से ब्रेक करके इतना पार्ट हम डिलीट कर देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये सभी बीम सिलेक्ट कर देंगे कंट्रोल दबा के, फिर हम जाएंगे ज्योमेट्री में, इंटरसेक्ट मेंबर, इंटरसेक्ट, ओके, टू न्यू बीम्स क्रिएटेड, ओके। अब हम कंट्रोल के दबा के चेक कर सकते हैं, सॉरी शिफ्ट के दबा के नोट्स नजर आएंगे, तो हम ये दोनों बीम्स को डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमारा गैलरी का बीम क्रिएट हो गया है। तो इसकी प्रॉपर्टी और क्रॉस सेक्शन की बात हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि हमें ये चेंज करनी होगी। तो उससे पहले हम सभी बीम्स की ज्योमेट्री क्रिएट कर देंगे जो एक्स्ट्रा बीम्स लगे हैं कंपेयर्ड टू प्लिंथ लेवल बीम्स, और एक्स्ट्रा बीम्स हम डिलीट कर देंगे। तो अब हम टॉप व्यू ऑन कर देंगे और कंपेयर करेंगे ऑटोकैड फाइल में। तो हमने ये गैलरी के बीम्स ड्रॉ कर दिए हैं, अब हम इस पे जाएंगे। तो यहाँ पे हमें तीन बीम्स ड्रॉ करने हैं, एक दो और तीन। तो इसके लिए फिर से हम आइसोमेट्रिक व्यू ऑन कर देंगे ताकि कोई गलती ना हो। तब चेक करते हैं कहाँ से बीम ड्रॉ करना है। सो 1, 2 and 3 नोट पॉइंट्स, 1, 2 and 3, ये तीनों जगह पे कॉलम है, यहाँ पे तीनों जगह पे कॉलम दिए हैं। तो हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे टॉप व्यू ऑन करके, 1, 2 और ये 3 नोड पे हम बीम ड्रॉ करेंगे, ये तीन में, बीच में ये नोड खाली रहेगा। तो अब आइसोमेट्रिक व्यू ऑन करके हम सबसे पहले तो ये बीम कॉपी कर रहे हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, हमें जाना है जेड एक्सिस की तरफ, पर हमें डायमेंशन मालूम नहीं है, तो यहाँ पे क्लिक करके हम डायमेंशन चेक कर सकते हैं, या फिर डी आई एंटर। तो कैंटिलीवर बीम है 1447.8, मतलब 1.447, तो जेड में जाना है हमें 1.447 और 8, ओके 1.4478, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, ओके। तो ये बीम पूरा कॉपी हो गया। अब दूसरा तरीका ये है बीम ड्रॉ करने का, हम डायरेक्टली यहाँ से एड न्यू बीम ड्रॉ कर सकते हैं, एड बीम, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक किया, तो हमने बीम बना दिया। और इसी तरह से हम यहाँ पे भी ज्योमेट्री क्रिएट कर सकते हैं। तो ये दोनों बीम कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी, जेड में 1.4478, ओके। तो ये बीम कंटिन्यूस हमें मिल गया है, पर ये दोनों बीम मर्ज करने होंगे हमें, क्योंकि यहाँ पे बीच में नोड पॉइंट नहीं है, तो ये हम मर्ज कर देंगे। दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल दबा के ज्योमेट्री मर्ज सिलेक्टेड मेंबर्स मर्ज क्लोज, तो ये पूरा एक बीम बन गया, और हम एक्स्ट्रा बीम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बन गया हमारा गैलरी का बीम। तो ये बीम बन जाने के बाद हम ये दोनों गैलरी के बीम्स को प्रॉपर्टी और क्रॉस सेक्शन दे देंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे ऑटोकैड में, यहाँ पे हम चेक करेंगे इसका डायमेंशंस 230x230, और ये भी सेम है, यानी कि ये तीनों बीम, यहाँ पे कुछ करेक्शन है, ये भी 230x230 रहेगा। तो इसके लिए हम जाएंगे प्रॉपर्टी में 230x230, और हम सबसे पहले कंट्रोल दबा के सिलेक्ट कर लेंगे, तो आ गए सभी बीम्स 230x230, असाइन टू द सिलेक्टेड बीम्स, असाइन, यस। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा बीम की। तो इसके बाद हम फिर से इसका टॉप व्यू ऑन कर देंगे और ऑटोकैड फाइल से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे तीन बीम एक्स्ट्रा है, जो कि यहाँ पे जो यानी कि फर्स्ट फ्लोर लेवल पे नहीं प्रोवाइड किए गए। तो सबसे पहले तो हम स्टेट प्रो की फाइल में से वो बीम्स डिलीट कर देंगे। तो इसके लिए हम सब इसके ऊपर क्लिक करके डिलीट, ओके। इसी तरह इसके ऊपर भी क्लिक करेंगे डिलीट, ओके। और ये वाला लास्ट बीम डिलीट, ओके। तो अब हम देख सकते हैं ऑटोकैड फाइल में ये तीन बीम जो एक्स्ट्रा थे वो हमने डिलीट कर दिए हैं।
तो इसके बाद हम देखेंगे कि हम इस बीम को डिलीट कैसे कर सकते हैं। फिर अगर हम देखें तो फर्स्ट फ्लोर लेवल पे ये तीन बीम भी प्रोवाइड नहीं किए गए। ये बीम हम देख सकते हैं कि ये हिडन बीम है, तो इसको अभी डिजाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका हम लोड लास्ट में एक साथ डिजाइन करके स्लैब पे ऐड कर देंगे। तो फिलहाल हम ये बीम को ही कंपैरिजन करते हैं। तो ये तीन बीम टी बीम जो क्रिएट हो रहा है वो यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किए गए, तो स्टेट प्रो की फाइल में से हम ये तीन बीम डिलीट कर देंगे जो टी फॉर्मेट बना रहे हैं, यानी कि ये वाले तीन बीम। तो इसको डिलीट करने के लिए हम इन बीम को सिलेक्ट करेंगे, डिलीट एंटर यस। तो अब अगर हम कंपेयर करें तो जितने भी अननेसेसरी बीम्स थे वो हमने डिलीट कर दिए और एक्स्ट्रा बीम्स थे वो हमने ऐड कर दिए। तो हमें कंपेयर करना है प्लिंथ लेवल और फर्स्ट फ्लोर प्लान। देन आफ्टर हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा मूवमेंट रिलीज करना, जो हमने सेकेंडरी बीम के एंड पे पिछले लेक्चर में देखा था कि मूवमेंट कैसे रिलीज होती है। पर इससे पहले हम ये बीम डिलीट करना भूल गए हैं जो कि ऑटोकैड प्लान में नहीं दिखाया है, यहाँ से यहाँ तक, तो इसे भी हम डिलीट कर देंगे। कंट्रोल सिलेक्ट डिलीट ओके यस। और ये दोनों बीम हम मर्ज कर देंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा नोड पॉइंट दिया गया है। ज्योमेट्री मर्ज सिलेक्टेड बीम्स मर्ज क्लोज। तो अब कंप्लीट। अब हम मोमेंट रिलीज करेंगे, पर मोस्ट ऑफ द मोमेंट रिलीज कॉपी हो गई है प्लिंथ लेवल से। तो हमने एक्स्ट्रा जो बीम्स ड्रॉ किए हैं उसमें सेकेंडरी बीम आइडेंटिफाई करके उसमें भी हम मोमेंट रिलीज कर देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं दबाऊंगा शिफ्ट ई। तो ये ग्रीन और ब्लू कलर के मार्किंग्स अब जो नजर आ रहे हैं, ये पार्ट 11 में मैंने डिटेल में समझा दिया है कि ये ग्रीन कलर है वो स्टार्टिंग पॉइंट सिग्निफाई करता है और ये ब्लू पॉइंट है वो एंड पॉइंट। तो इसकी मदद से हम सेकेंडरी बीम के एंड पॉइंट या फिर स्टार्ट पॉइंट पे मोमेंट कैसे रिलीज कर सकते हैं वो आप अगर चाहे तो पार्ट 11 में देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम बीम आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ पे मोमेंट रिलीज की रिक्वायरमेंट है। तो एक तो ये हो गया, ये जो हमने एक्स्ट्रा बीम ड्रॉ किया है वहाँ पे हमें मोमेंट रिलीज करनी पड़ेगी। तो इसमें जो स्मॉलर स्पान है उसको हम मेन बीम एज कैंटिलीवर डिजाइन करेंगे। तो इसके लिए हमें सेकेंडरी बीम के दोनों पॉइंट के एंड पे हम मोमेंट रिलीज करेंगे। तो हम इस बीम के ऊपर क्लिक करेंगे, स्टार्ट एम वाई एम जेड असाइन टू द सिलेक्टेड बीम असाइन यस। फिर से वही बीम के ऊपर एंड एम वाई एम जेड असाइन यस। तो क्योंकि ये दोनों तरफ हमें मोमेंट रिलीज करनी थी, ये दोनों कैंटिलीवर बीम डिजाइन करेंगे हम, इसीलिए तो हमने मोमेंट रिलीज कर दी है। सिमिलरली हमने यहाँ पे भी गैलरी का बीम डिजाइन किया है। तो यहाँ पे शॉर्टर स्पान है उसको हम एज मेन बीम कंसीडर करेंगे और लॉन्गर स्पान को सेकेंडरी बीम। तो सेकेंडरी बीम के स्टार्ट और एंड पॉइंट में हम मोमेंट रिलीज कर देंगे। तो इसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे, स्टार्ट एम वाई एम जेड असाइन यस, एंड एम वाई एम जेड असाइन यस। फिर से इस बीम को सिलेक्ट करेंगे, स्टार्ट एम वाई एम जेड असाइन यस, एंड एम वाई एम जेड असाइन यस। सिमिलरली हमने यहाँ पे भी गैलरी के बीम्स डिजाइन किए हैं फर्स्ट फ्लोर लेवल पे। तो सबसे पहले तो हम ये तीन बीम को मेन कंसीडर करेंगे, मेन कैंटिलीवर बीम। तो ये दोनों बीम के स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट हम रिलीज कर देंगे। तो सबसे पहले ये बीम मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट पॉइंट असाइन टू द सिलेक्टेड बीम असाइन यस, एंड पॉइंट असाइन यस। फिर ये बीम के ऊपर स्टार्ट पॉइंट असाइन यस, एंड पॉइंट असाइन यस। तो अब हमने सभी सेकेंडरी बीम के स्टार्ट और एंड पॉइंट पे अननेसेसरी मोमेंट्स रिलीज कर दी है। तो अब हम क्लिक करेंगे होल स्ट्रक्चर व्यू पे, यहाँ पे डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर पे, और 3D रेंडर्ड व्यू हम चेक करेंगे। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आएगा जो हमने अभी क्रिएट किया है, आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि सेकेंड फ्लोर लेवल पे बीम का लेआउट कैसे होता है, यानी कि हम सेकेंड फ्लोर लेवल पे बीम की ज्योमेट्री क्रिएट करेंगे।
So wait for my next videos.